पार्टी के स्थापना दिन के अवसर पर जनसंघ से लेकर आज तक हमारी विचारधारा के विस्तार के लिए हम पर जो दमन हुआ, रोकने का प्रयास हुआ, उसको संघर्ष करते हुए जितने भी कार्यकर्ता देश के कोने कोने में अनेक आंदोलनों में शहीद हुए हैं, उनको मैं नमन कर करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सभी कार्यकर्ताओं को मैं संदेश भी देना चाहता हूं कि आज अगर हम किसी मकाम पर पहुंचे हैं तो उन नामी अनामी सभी लोगों की शहादत के कारण आज पार्टी इस मकाम पर पहुंची है। इनको मन से हम सभी लोग श्रद्धांजलि दें। मित्रों, आज हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी पार्टी का स्थापना दिन है। 36 साल पहले आज ही के दिन पर सत्ता का त्याग करते हुए, सत्ता की सभी संभावनाओं पर पूर्ण विराम रखकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हमारे नेतृत्व ने करी थी। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो यात्रा है वो तीन चरणों में बटी हुई है। एक तो 21 अक्टूबर 1951 से लेकर 77 के चुनाव तक की यात्रा जो हमने जनसंघ के रूप में करी, 77 से 80 की यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए 25 साल की हमारी युवा पार्टी को देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमने जनता पार्टी में विलीन किया, और 1980 से लेकर 2015 तक की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, ये तीनों यात्राओं मिलकर हमारा कुल प्रवास 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के रूप में, दीपक चुनाव चिन्ह के रूप में बनी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की यात्रा से लेकर और 29 साल का एक सफर, और उसके बाद आज 36 साल का 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर आगे बढ़ा है। पहले 3 सांसदों से लेकर जिस पार्टी को केवल 3.6% मत प्राप्त हुए थे, और आप कार्यकर्ताओं के बल पर, देश के कार्यकर्ताओं के बल पर उन 3 सांसदों से 180, और आज यह गर्व का विषय है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अब 80 में हमारी स्थापना हुई, इसका वर्णन यहां पर हुआ। जिस पार्श्वभूमि पर इस पार्टी का स्थापना हुई, हम सब लोग देखेंगे तो 2 चॉइस उस टाइम उपलब्ध थे। एक, अपने विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके रूलिंग पार्टी में शामिल होना, जो उस टाइम की जनता पार्टी थी, और दूसरा अपनी विचारधारा के लिए, जिसके लिए इस पार्टी की स्थापना हुई और जिस कार्य पद्धति से यह पार्टी चल रही है, उसके लिए त्याग करना। सत्ता का त्याग कर अपने विचारधारा में हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, यह भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम स्पष्ट किया दिया।